अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम इंजीनियर तला है और आप देख रहे हैं इंडिगो कंसल्टेंट का यूट्यूब चैनल। अभी 10-1 मिनट पहले मेरे सामने से एक पोस्ट गुजरी है, एक मैसेज मुझे आया हुआ था। एक बहुत बड़े डेवलपर हैं, मार्केट के अंदर पिछले कोई 3-4 माह से अपना प्रोजेक्ट बेच रहे हैं और बड़े अच्छे लेवल पर वो बेच रहे हैं। हमारे उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हमने भी काफ़ी सारी वीडियोज़ बनाई हैं, मैंने खुद वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा बेचा है। लेकिन अभी सिचुएशन ये थी कि अभी प्रोजेक्ट काफ़ी माइनस में था। एक तो ये था कि प्रोजेक्ट के अंदर ऑब्वियसली ओवर सेलिंग बहुत ज़्यादा थी, और दूसरी ये थी कि मार्केट की सिनेरियो इस तरह से थी कि प्रोजेक्ट जो है वो माइनस में था। अभी रिसेंटली पोस्ट आई है कि जी नया एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, सेम डेवलपर जो है डिफरेंट सिटी के अंदर एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके कुछ टीज़र वगैरह आए हुए थे, तो उसके रिगार्डिंग मैंने कहा कि आपके साथ भी मैं कुछ चीज़ें शेयर कर दूँ। अच्छा, मैं देखता रहता हूँ रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। एक ये बड़ी कॉमन सी प्रैक्टिस है कि जी लेट सपोज़ आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, वो प्रोजेक्ट थोड़ा सा मार्केट के अंदर बेचना आपने स्टार्ट किया है, कुछ जो है ना हमारे डीलर भाइयों ने, इन्वेस्टर भाइयों ने, एंड यूज़र भाइयों ने उस प्रोजेक्ट को ख़रीदा है, कुछ अर्सा गुजरेगा तो आप जो है ना एक सेकंड प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे, पिछले प्रोजेक्ट की डिलीवरी की तरफ आप नहीं जाएंगे। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। ऑब्वियसली इससे आपकी प्रोजेक्ट की रेपुटेशन भी कम होती है, जो एक मेरा और मेरे बहुत से भाइयों का प्रोजेक्ट के ऊपर एतबार होता है वो भी कम हो जाता है। तो मैं इस चीज़ से बड़ा डिसएग्री करता हूँ कि अगर आपने लेट सपोज एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करना ही है तो या तो ये हो कि आप अपने पिछले प्रोजेक्ट की डिलीवरी दें, अगर आप डिलीवरी नहीं दे सकते तो एटलीस्ट आप उस प्रोजेक्ट के जो रेट्स हैं उनको स्टेबल कर दें। आपका एक चीज़ ऑलरेडी माइनस के अंदर है, जो हमें रिबेट्स वगैरह मिले हुए थे, जो हमें सोसाइटी की तरफ से इंसेंटिव थे, उससे ज़्यादा माइनस में है, यानी कि आपके कमर्शियल हो जाए, आपके रेजिडेंशियल हो जाए, सारे के सारे प्लॉट्स माइनस में हैं, और इसके बावजूद जनाब आप एक नया प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा नामुनासिब और गलत टाइम पे गलत स्टेप है, जिससे ऑब्वियसली रियल स्टेट की मार्केट की रेपुटेशन भी ख़राब होगी और सेल्फ जो डेवलपर हैं उनकी रेपुटेशन भी बड़ी जो है वो अफेक्ट करेगी। तो मेरा तो जो हमारे भाई हैं उनसे उनको मशवरा यही है कि पहले आप अपने जो पहला प्रोजेक्ट है उसको स्टेबल कर लें, मार्केट के अंदर जिन लोगों ने अरबों खरबों उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट किए हैं उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे दें। जब एक चीज़ के अंदर आप प्रॉफिट देंगे तो ऑब्वियसली नेक्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर मैं भी जाऊँगा, मैं प्रोजेक्ट को बेचूंगा भी, मैं अपने एंड यूज़र को रिकमेंड भी करूंगा, और मैं बहुत सारे बाकी भाइयों की भी बोलूंगा कि आएँ हमारे साथ उस प्रोजेक्ट के अंदर जाएं कि जी ये इनका पिछला पोर्टफोलियो है, इसके अंदर उन्होंने सबको प्रॉफिट दिया है। अब लेट सपोज अगर मैं आपका पिछला प्रोजेक्ट ही माइनस के अंदर है तो हम आगे किसी एंड यूज़र को या किसी इन्वेस्टर को या खुद आपके दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर क्यों जाएंगे या क्यों मैं पैसा लगाऊंगा? तो ये एक बड़ा लम्बे फिक्री है, इस पर डेवलपर्स को भी सोचना चाहिए, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी सोचना चाहिए, जो मार्केट के बड़े नाम हैं उनको भी सोचना चाहिए। तो बाकी अगर रियल एस्टेट मार्केट के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप बिला झिझक हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारे नियरेस्ट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।